अरे हो गया चल। सर थोड़ा इसको इधर आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। सर निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला, ये कौन है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ, डिसीजंस कैसे लेते हो लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं सीख कर गया हूँ। वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ, बहुत अच्छा। आपको और कटारिया का जब झगड़ा हुआ था, आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किया ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिनना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फिलहाल बाहर भी मैं और लवकेश यार ऑन गुड टर्म्स, यार एक गुड आप अच्छे टर्म्स हैं। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी आप अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ो। पर बिग बॉस घर में मेनली यही होता है और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप गेम मोटिवेट दोगे क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती तोड़ूं अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी जिंदगी में भी ये रूल अपना। सारी इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज वेरी सेफ, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सना सना की क्या सवाल क्यों पूछ रहे हो बार बार? सना सुल्तान या सना सुल्तान? सना सुल्तान के बारे में जी। वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरी बोलती है, लेकिन मैं इससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। क्या प्लान है, क्या करने का इरादा है आगे, फ्यूचर टेलीविजन शो? आप बहुत कुछ है लाइंड अप एंड ऑलरेडी करने के साइड अप के कर दिया था एज अ गर्ल फ्रेंड, बट आपने रणवीर सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? नो मोर कमेंट्स ऑन पर्सनल, थैंक यू। बट सर पर्सनल ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ तो पर्सनल कैसे पर हो गया, वो हो गया एंड दैट्स इट, नथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप कभी नहीं मिलना चाहोगे क्या? वो सब सिर्फ घर की बातें होती है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को क्या हंसी आ जाती है? मैंने ऐसी कोई बहुत पिछली गाली नहीं दी थी और जो भी हुआ था क्रॉस हो चुकी है। सना ने बताया कि बात आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने बाकी गाली जी को सामने से दी? यार किसी का कंफर्मेशन साहब कह रहे हो जाके।